हेलो बच्चों, हमने डिटरमिनेंट बताई है आपको। हमने बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, और इसकी एक वैल्यू होती है जो कि डिटरमिनेंट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। इसको ऐसे DET डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको 1, 2, 3, 4। और इसको एक्सपेंड करना हमने आपको सिखाया था, इस वीडियो के लिंक में हमने पूरा उसमें डिटेल दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के गुण कौन कौन से हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर डिटरमिनेंट सॉल्व की जाएगी। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टीज की ये है, पहली प्रॉपर्टी कि द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर चेंज्ड इंटरचेंज। लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब माने कोई डिटरमिनेंट है डेल्टा 1 मान लेते हैं, और ऐसी डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई डिटरमिनेंट है। और कह रहे हैं अगर हम रो को कॉलम में चेंज करना चाहें, मतलब ये जो रो है उसको कॉलम बना दें, तो हमने कहा उसका नाम क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। हमने इसका रो को कॉलम बनाए दे रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये जो एबीसी इधर है वो इधर आ जाएगा, एबीसी डीईएफ जीएचआई। तो ये कह रहे हैं कि रो और कॉलम को अगर चेंज कर दोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी, अब इसका चाहे तो कोई एक एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हो। एक कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए पहली प्रॉपर्टी का, मैंने एक एग्जाम्पल लिया इसका। हमने एक डिटरमिनेंट डेल्टा 1 मानी, कोई हम नोट कर लेते हैं। मान लिया हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 0, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, 3, 0, -1। इसको आप एक्सपेंड करेंगे, पहले किसी रो या कॉलम के नाम खोल दीजिए, एक्सपेंशन आपको सिखाया गया है। हमने पहले 1 लिखा, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई से होगा -1, -0। फिर -1 लिखा, हम इस फर्स्ट कॉलम के अलावा इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, ये आएगा -2, -0। फिर +1 लिखा, ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 2, -3। तो दिस इज -1, -1, +2, ये -1, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 2। ये -2, -1, +2, ये -1, ये -1, तो -1, -1, -2, दैट इज 0। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। 1 लिखेंगे, -1, 0, फिर -1 लिखेंगे, रो का कॉलम कट गया, -2, -0। फिर +1 लिखेंगे, रो कॉलम कट जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया है, ये 2, 0, 0, -3 आएगा, ये -3 आएगा, फिर -4, +2, वैल्यू विल बी -2। तो ये आपकी डिटरमिनेंट लिखी। अब हमने क्या किया, इसको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, डेल्टा 2 इज इक्वल टू लिख दिया हमने, ये रो जो 1, 2, 3 थी हमने ऐसे लिख दिया, और 1, 1, 0 ऐसे लिख दिया, और 1, 0, -1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 लिखा, इस रुके लाइन खोल रहे, इसको 1 लिखा, ये कट गया, -1, -0, फिर -1 लिखेंगे, रो कट गया, कॉलम कट गया, -2, -0, +1 लिखेंगे, रो कटेगा, कॉलम कटेगा, 0, -3। तो ये वैल्यू भी क्या आ रही है, दिस वैल्यू विल आल्सो कम -2, तो दिस शोज दैट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम मैट्रिक्स की, सॉरी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड इसकी एक्सरसाइज लगती है। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि इफ द रोज और कॉलम्स आर डिटरमिनेंट आर इन एनी टू रोज, अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें आप, तो द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। मतलब अगर मान लिया एक डिटरमिनेंट डेल्टा है 1, 2, 3,
माइनस वन टू वन 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 टू, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। ये कह रहे हैं अगर हम दो रोज, कोई भी दो रोज है, दो कॉलम, मतलब फर्स्ट सेकेंड कॉलम को हम C1 को लिख देते हैं C2 की जगह और C2 को C1 की जगह, तो ये डिटर्मिनेंट डेल्टा वन हो जाएगी, तो ये पहले आ जाएगी माइनस वन टू वन वन टू थ्री वन वन टू। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस में आएगी डेल्टा, यानी अगर कोई भी दो रो है, दो ही कोई भी दो रो आप फर्स्ट थर्ड को चेंज कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड को चेंज कर दीजिए, कॉलम्स में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में नहीं, पूरे पूरे कॉलम रो में जाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है, कभी कभी ये वेरीफाई करने के लिए आ जाती है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ये पांच छह प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, फिर साइज के बारे में बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि एनी टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो मतलब या दो कॉलम माने डेल्टा है, माने ये आ गया वन टू थ्री वन फोर फाइव वन टू थ्री, सी वन और सी थ्री क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। इसको अगर आप चाहो तो एक्सपेंड करके देख लो, देखिए मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, वन लिख रहा हूं, रो कट गया, कॉलम कट गया, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस फाइव टू जार टेन, फिर माइनस वन लिखेंगे हम रो के लाल खोल रहे, रो कट गया कॉलम कट गया थ्री टू जा सिक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स, प्लस वन लिखेंगे रो कट गया कॉलम कट गया फोर टू जा सॉरी फाइव टू जा टेन माइनस ट्वेल्व, इसको खोलेंगे तो आएगा टू, ये तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का टू, तो इट्स वैल्यू इज जीरो। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रोज, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर मान लिया किसी भी डिटर्मिनेंट का कि कोई भी एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम जीरो है तो इट्स वैल्यू विल आल्सो बी जीरो। मतलब मान लिया कोई डिटर्मिनेंट ऐसी है कि जीरो 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 फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, चूंकि पहली रो पूरी जीरो है फिर इट्स वैल्यू विल आल्सो बी जीरो। अगर पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम जीरो है तो वैल्यू विल बी जीरो। अगली प्रॉपर्टी है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कॉन्स्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ वैल्यू गेट इज मल्टीप्लाइड बाई के। देखिए पहले इसका मतलब समझिएगा, कह रहे मान लिया एक डिटर्मिनेंट है, चौथी प्रॉपर्टी शायद है, ये पांचवी है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। देखिए देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है कि मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और हमने किसी एक रो में किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो बाय के, तो के ए के बी के सी। देखिए मैट्रिक्स में क्या होता था, आवयव में जो हम मल्टीप्लाई करते थे वो सभी एलिमेंट में करते थे, यहां ऐसा नहीं होता है, किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर दो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, के ए के बी के सी पी क्यू आर एल एम एन, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, डेल्टा वन। अब देखिए हम कॉमन लेना चाहते हैं, तो अगर आपने इसमें के से मल्टीप्लाई किया है तो आप इसमें के कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, तो आपने क्या देखा, पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो गई। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी इसकी है। अगली एक प्रॉपर्टी है कि मान लिया कोई भी, मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है
ऐसे दी है ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। मान लिया कोई भी इसकी रो है वो यहां पर प्लस अल्फा है, यहां प्लस प्लस बीटा है, यहां पर प्लस गामा है आर। तो आप इसको चाहें तो दो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले ए बी सी लिखे या ए पी एल, ए पी एल बी क्यू एम बी क्यू एम सी आर एन और प्लस फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर पी क्यू आर और एल एम एन, ये दो पार्ट में इसको लिख सकते हैं। तो ये कुछ पांच छह प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइजेस की, एक्सरसाइज नंबर 4.2 देखिए ध्यान से। अब डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे की जाती है, थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। देखिए एक होता है डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, जैसे मान ले कोई डिटरमिनेंट दी हुई है इक्वल टू कुछ प्रूफ करना है, आप सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए, बताया गया आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे बताया गया है, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम दो प्रॉपर्टीज लगानी ही पड़ेंगी पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी भी रो में किसी भी रो को प्लस कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी भी रो को माइनस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को प्लस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को माइनस कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एम ये होना चाहिए कि अधिक से अधिक जीरो आ जाए पहली चीज, और कुछ कॉमन मिल जाए तो अच्छी चीज है, ठीक है। और जब देखा कि जीरो आ गए कुछ कॉमन मिल गया अब आगे नहीं हो पा रहा है तब एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज है 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन्होंने कहा है 1 to 5 या 6 क्वेश्चन में कहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग, यहां पर एक्सपेंशन नहीं करना है आपको और सभी डिटरमिनेंट को इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिटरमिनेंट क्या दी हुई है, डिटरमिनेंट दी है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी को हमें जीरो प्रूफ करना है, ये कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाओ। और इन्होंने कहा एक्सपेंशन नहीं करेंगे आप, हमने कहा किसी जीरो होने के दो केसेस थे, या तो दो रोज आइडेंटिकल हो जाए, दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सभी एलिमेंट सेम हो जाए, और या जीरो हो जाए पहली चीज। किसी भी रो में किसी भी रो को प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। जरा देखिए हमने इसका एलएचएस दे दिया, टेकिंग एलएचएस, अब एक्सपेंड नहीं करना है और जीरो लाना है, तो जीरो के लिए मेरे पास दो ही प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि या तो कोई एक कंप्लीट रो जीरो हो जाए या कॉलम जीरो हो जाए, या दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए। जरा देखिए ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा है अगर इसको जाकर के यहां माइनस कर दीजिए या इसको जाके यहां माइनस कर दीजिए, किसी एक को इसको जाके यहां माइनस कर दीजिए, यहां से ए कट जाएगा एक्स बचेगा, यहां से बी कट जाएगा वाई बचेगा, यहां से सी कट जाएगा जेड बचेगा, यहां क्या बचेगा एक्स वाई जेड, और यहां क्या है एक्स वाई जेड, दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे जीरो आ जाएगा। क्या करेंगे, कहां पे करना है थर्ड कॉलम में, तो हम ऐसे लिखते हैं थर्ड कॉलम एरो लगा देते हैं, मतलब थर्ड कॉलम में ऑपरेशन होना है, क्या होना है थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को माइनस कर देना है, ठीक है कर दीजिए। तो फर्स्ट सेकंड कॉलम को नहीं छेड़ेंगे आप, एक्स वाई जेड ए बी सी इसको जाके यहां माइनस करोगे, यहां ए बचेगा यहां बी बचेगा यहां सी, सॉरी सेकंड को आप कर रहे हैं, यहां एक्स बचेगा यहां वाई बचेगा यहां जेड बचेगा। अब देखिए सी वन सी थ्री कैसे आइडेंटिकल है, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, यहां लिख दो एज सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, समझ आया। किसी भी रो को अब आप कहेंगे हम इसको माइनस करना चाहते हैं, कर दो इसको कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड कर जाएगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। आप कहेंगे हम ऐसे नहीं करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये क्या आएगा एक्स प्लस ए, फिर जाके यहां माइनस करेंगे, कर दीजिए। आप कहेंगे हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको यहां प्लस करेंगे, यहां पे आए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड
जेड प्लस सी, यहां से एक्स प्लस ए कॉमन लेंगे, नहीं सॉरी कॉमन नहीं मिल पाएगा, तो ये माइनस करिए, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसमें एक्सपेंसर नहीं करना है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, और एक्सपेंसर ना करने पर अगर जीरो आपको प्रूफ करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो रोज को आइडेंटिकल करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। हमने एलएचएस ले लिया है, ये हमने एलएचएस ले लिया है, इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। हमने कहा किसी भी रो को किसी भी रो में प्लस कर सकते हैं। देखिए अगर इन दोनों को उठा के यहां प्लस कर दो तो देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जीरो हो जाएगा। ऑपरेशन कहां करना है, पहले कॉलम में करना है। क्या करना है, पहले कॉलम में प्लस करना है सी टू प्लस सी थ्री, यानी इन दोनों को प्लस करके यहां प्लस कर देना है। देखिए यहां जब प्लस करोगे तो आएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब कट जाएगा जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो आएगा, यहां भी जीरो आएगा। सेकेंड कॉलम को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि आपने जो ऑपरेशन किया है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये आएगा बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसको डायरेक्टली जीरो कर देंगे, लिखेंगे एस सी वन इज जीरो, सी वन के सभी एलिमेंट जीरो है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में भी जीरो प्रूफ करना है, हम एलएचएस ले लेते हैं, टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एट्टी सिक्स, एट्टी सिक्स है शायद, अभी देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिए करना क्या है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कॉमन मिल जाए, कहीं कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा। इसमें अगर टू माइनस कर दिया जाए तो 63 बच जाएगा, ठीक है, और ये थ्री माइनस कर देंगे तो 72 हो जाएगा, और 63 से 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 नाइनजा बचेगा, और 72 से 8 का कॉलम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 8 नाइनजा बचेगा। एक सेकेंड, देखिए हमें कुछ कॉमन लेना है इसमें, ठीक है। अब कॉमन तो दिख नहीं रहा क्योंकि 65 किसी से 2 या 7 की टेबल में तो आता नहीं। अगर मैं इस 2 को इसमें माइनस कर दूं 63 आ जाएगा जो कि 7 की टेबल में आता है, 3 इसमें माइनस हो जाए तो 72 आ जाएगा जो कि 8 की टेबल में आता है, 5 इसमें माइनस हो जाएगा तो 81 आएगा जो 9 टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में एक ऑपरेशन करते हैं, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देते हैं। तो छेड़खानी आप सीवन सी टू से नहीं करेंगे, सीवन सी टू एज इट लिखा रहेगा, टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन, यहां क्या बचेगा 63 बचेगा, यहां क्या बचेगा 72 बचेगा, यहां 81 बचेगा। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, नाइन, नाइन यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, तो यहां से 9 कॉमन ले लीजिएगा, लैंग्वेज लिखना चाहो लिख दो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन, देखो यहां से 9 कॉमन लिया क्या बचेगा 7, यहां क्या बचेगा 8, यहां क्या बचेगा 9। अब देखिए दोनों कॉलम कैसे हैं, आइडेंटिकल है, इक्वल टू जीरो लिख देंगे एस सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है
वन 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 बी सी सी ए बी ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो यहां भी प्रूव करना है, वही चीज है। इसको बराबर करने की कोशिश करिए, पहले ब्रैकेट खोल दीजिए उसको, उधर वन 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 बी सी सी ए बी आएगा ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको इसमें प्लस कर दो, देखिए हमेशा कोशिश करिएगा कि बड़े में जाके प्लस कर लो, क्यों? क्योंकि बड़े में जब प्लस करोगे तो वहां से कवर हो जाएगा आसानी से, ठीक है? यानी अगर इसको इसमें प्लस करते हो तो इसकी सेहत ऐसी ही बनी रहेगी, ठीक है? तो इसको जाके यहां प्लस कर दो, क्या कर दोगे? सी थ्री में कर दो, सी थ्री में प्लस कर दो सी टू, तो ये क्या बचेगा? वन 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 बी सी सी ए बी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से आपको कॉमन दिख रहा है, हमने कहा था कॉमन कैसे निकालते हैं, किसी एक पूरे कॉलम से निकलेगा या रो से निकलेगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां बचेगा वन वन वन, यहां बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी वन वन वन, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिफ्थ अपने आप करेंगे, सिक्स जरा देखिए ध्यान से, फिफ्थ में भी सबको एक जगह प्लस कर दो, कॉमन साइज कुछ मिल जाएगा। देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए, एलएचएस ले लिया हमने उठा करके, इसको डेल्टा मान लिया है, जीरो माइनस ए बी ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। अब यहां लफड़ा है, ना तो कुछ कॉमन है ना तो कुछ प्लस है, कुछ नहीं है, एक चीज मुझे दिख रही है, ये साइन चेंज है, ये साइन चेंज है, ये साइन चेंज है, तो आप क्या करिए कि तीनों कॉलम से या तीनों रो से माइनस कॉमन ले दो, टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, टेकिंग नेगेटिव कॉमन कहां से? फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री। माइनस कितनी बार कॉमन ले रहे हैं? तीन बार, तो जब तीन बार लोगे तो माइनस वन टू पावर थ्री बाहर आ जाएगा, ये सब साइन चेंज हो जाएगी, ये आएगा जीरो माइनस ए बी माइनस ए प्लस हो जाएगा जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ठीक है? ये तो माइनस आ गया। अब इसको, अब देखो ये चीज तो बिल्कुल सेम नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसके कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, और हमने कहा था अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज। ये क्या आएगी वैल्यू? माइनस, तो पहले से लगा लिए, तो ये आएगा जीरो माइनस ए बी ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। ये क्या लिखा है? आप कहेंगे तो डेल्टा लिखा हुआ है, और ये क्या था? ये भी डेल्टा था, तो अरे डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, इसको उधर ले और टू डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से इसकी वैल्यू जीरो आएगा। दिस इज सिक्स क्वेश्चन, ठीक है? सेवंथ अपने आप करेंगे आप। अब एट्थ से कुछ प्रूफ्स हैं, प्रूफ का तरीका देखिएगा, पहले एट्थ क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर हम बात करते हैं। देखिए एट्थ का फर्स्ट पार्ट, अब जरा यहां से सावधान हो जाइएगा, प्रूफ करना है वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अब किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया
टीचर ने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको एक्सपेंड कर दो और एक बहुत बड़ी एक वैल्यू आएगी, और ये तीनों ब्रैकेट खोल दो एक और वैल्यू आएगी, और दोनों साइड की वैल्यू को इक्वल कर दो नंबर जीरो। जब तक प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका सोल्यूशन सही नहीं माना जाएगा। करना क्या है, हमने कहा था किसी भी रो में किसी रो को माइनस कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में माइनस कर सकते हैं, शर्त यह है कि कुछ कॉमन मिल रहा हो। तो पहले तो टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ले लिया हमने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये नोट कर लिया हमने, ठीक है। अब जरा देखिए इसको नोट कर लीजिए, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जरा देखिए ध्यान से, अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो एक तो जीरो आ जाएगा, यहां ए माइनस बी आ जाएगा, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, जिसको कि ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं आप, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या करेंगे, पहली रो में हम करेंगे आर वन माइनस आर टू, और दूसरी रो में आप करेंगे आर टू माइनस आर थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बी माइनस सी होगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, ये वन होगा, ये सी होगा, ये सी स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। ये जीरो, ये ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसके फैक्टर हो जाएंगे जीरो, बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, वन सी सी स्क्वायर। कुछ दिख रहा है आपको, आप कहेंगे कॉमन दिख रहा है, पहले रो से ए माइनस बी कॉमन है और दूसरी रो से बी माइनस सी कॉमन है, तो ए माइनस बी कॉमन, बी माइनस सी कॉमन, यहां बचेगा जीरो जीरो वन, यहां वन, यहां ए प्लस बी, यहां वन, यहां बी प्लस सी, यहां सी, यहां सी स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर दो, दो जीरो ऑलरेडी आपके पास है, चाहो तो एक जीरो और आ सकता है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा जीरो, कोई जरूरत नहीं है, दो फैक्टर ऑलरेडी हमारे हमें मिल चुके हैं, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, किसके अलाउंड करेंगे, जिधर ज्यादा जीरो हो, फर्स्ट कॉलम में ज्यादा जीरो है तो जीरो लिखेंगे, ये रो कट गया, ये रो कट गया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी जीरो रहेगा, फिर माइनस जीरो करेंगे ये वाला, प्लस वन करेंगे, वन करेंगे, रो कटेगा या कॉलम कटेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो याद आएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इसमें क्या आएगा, ये बी और बी कट गया, ये सी माइनस ए, और यही आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है कि आप पूरा रो एक्सपेंड कर दो, पूरा कॉलम एक्सपेंड कर दो, वैल्यू आ जाए। ये एट्थ का फर्स्ट पार्ट है, एट्थ का सेकंड देखिए, थोड़ा सा लंबी है, एट्थ सेकंड पार्ट, एट्थ सेकंड पार्ट, वन 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 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी। एक बढ़ गया थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, कुछ दिख रहा है आपको, आप कहेंगे इसमें से इसको माइनस कर दो एक जीरो आ जाएगा, ये फैक्टर हो जाएंगे यहां पर, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो हमने एलएचएस ले लिया, और पहले कॉलम में हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम को माइनस कर दिया, और सेकेंड कॉलम में क्या किया, सी टू में से सी थ्री माइनस कर दिया। देखो नई चीज है तो थोड़ा सा टेक्निकल लगेगी, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जब आपने इसमें से उसको माइनस किया जीरो आ गया, इसमें से इसको किया ए माइनस बी आ गया, इसमें से इसको किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, इसमें से इसको किया जीरो आ गया, इसमें से इसको किया बी माइनस सी आ गया, यहां बी क्यूब माइनस सी क्यूब आ गया, ये वन सी सी क्यूब इज इक्वल। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो आया जीरो
ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर भूल गए होंगे आप, पक्की बात है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां जीरो, यहां बी माइनस सी, यहां पर बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहां वन सी सी स्क्वायर। आपको दिख रहा है यहां से ए माइनस बी कॉमन है, यहां से बी माइनस सी कॉमन है, तो ए माइनस बी कॉमन, बी माइनस सी कॉमन, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा जीरो वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां जीरो वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और वन सी सी स्क्वायर। यहां दो जीरो है ऑलरेडी, इसको एक्सपेंड कर सकते हो या एक और जीरो ले आओ, देखिए थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा लंदी है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो एक तो जीरो हो जाएगा। एक चीज और समझिएगा, आपने कहीं माइनस किया, आपने देखा ये जीरो हो जाएगा लेकिन कहीं और का जीरो गायब हो जाएगा तो नहीं चलेगा, जीरो हो जाए और कुछ फैक्टर कॉमन हो जाए वो अच्छी बात होती है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, C1 में से एक ऑपरेशन करेंगे, C1 में C2 माइनस करेंगे, तो ये जो पहले से है A माइनस बी बी माइनस सी तो लिखा रहेगा, देखिए ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसमें इसे उसको माइनस किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट चुका है, ये यही रहेगा जीरो वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी वन सी सी स्क्वायर। देखिए इसको फैक्टराइज करिए, ए माइनस बी बी माइनस सी, देखिए जीरो जीरो, यहां देखिए जरा यहां कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है, यहां अगर कॉमन लेंगे ए ए प्लस बी आएगा, यहां ए प्लस बी आएगा नहीं, इसको इसको एक साथ लिखिए तो इसके फैक्टर हो जाएंगे ए प्लस सी और ए माइनस सी, और इन दोनों से प्लस बी कॉमन ले लीजिए तो आएगा ए माइनस सी, ये ऐसे लिखा रहेगा जीरो वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी वन सी सी स्क्वायर। ए माइनस बी बी माइनस सी जीरो जीरो, जरा यहां देखिए यहां से ए माइनस सी कॉमन तो यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी वन सी सी स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, ये भी कॉमन क्योंकि यहां तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए प्लस बी कॉमन ए माइनस बी सॉरी बी माइनस सी, यहां से ए माइनस सी कॉमन है, ध्यान रखिए ए माइनस सी है यहां पर, तो यहां बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या लिख रहा हूं भाई, ए प्लस बी प्लस सी, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा जीरो जीरो वन, यहां वन जीरो वन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी वन सी सी स्क्वायर। देखिए इसको आप एक्सपेंड कर दो तो a माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, देखिए चाहे इसके नाम करूं चाहे इसके नाम, इसके नाम करते हैं फर्स्ट कॉलम के नाम, तो आएगा जीरो फिर माइनस जीरो प्लस वन, ये कट गया दिस माइनस दिस तो आएगा जीरो माइनस वन, तो ये अल्टीमेटली माइनस वन आएगा, तो आएगा माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, यहां से माइनस क्या करोगे, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो आ गया ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी।
तो ये आपका एट्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है।